भारत में कोरोना के नए स्वरूप डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी। शनिवार को प्रदेश के जिला फरीदाबाद में एक केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं अब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में भी इस नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या स्टडी है और क्या तैयारी है, इस पर अनिल विज ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और हरियाणा में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट का फरीदाबाद में जो केस पाया गया उसमें हमने 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आदेश कर दिए हैं। विज ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना कमज़ोर हुआ है, खत्म नहीं, इसलिए एहतियात रखें। पास फरीदाबाद में एक केस डिटेक्ट हुआ है और उसका हमने उनके जो 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के आदेश कर दिए हैं कि उनका सारों का टेस्ट कराया जाए। बाकी हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भी कोरोना हल्का हो गया, खत्म नहीं हुआ, इसलिए एहतियात बरतें। कांग्रेस तो सारे देश में सभी राज्यों में टूट, कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है आप उनके रोज बयान सुनते हैं, जिस प्रकार के वो रोज बयान करते हैं तो जनता उसके लिए उनको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो काफ़ी भगदड़ है सारे, ना लड़े सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी, उसमें क्या फर्क होगा। धारा 370 दोबारा वहीं पंजाब में अंदरूनी कला से जूझ रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिस पर बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस तो सारे देश में लगभग सभी राज्यों में टूट रही है। कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव और उनके बयान है वे सभी सुनते हैं, जिसे जनता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती। सारे प्रदेशों में काफ़ी भगदड़ मची हुई है और यही हाल पंजाब में भी हो रहा है। वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।